दोस्तों WhatsApp पे बहुत ही ज्यादा क्रेजी फीचर्स को ऐड किया गया, रिएक्शन फीचर। हालांकि दोस्तों ये जो फीचर्स है वो कोई नया फीचर नहीं है, आप लोगों ने इसे ऑलरेडी से यूज कर रखा है Facebook पे। जैसे दोस्तों आप किसी का फोटो वीडियो पोस्ट वगैरह देखते होंगे तो वहाँ नीचे दोस्तों आपको रिएक्शन का बटन देखने को मिलता होगा, एंड आप जैसा चाहते हो उस तरह से दोस्तों आप रिएक्ट कर सकते हो उसके फोटो पे। एंड सेम फीचर्स दोस्तों आप यहाँ पे WhatsApp पे भी लाया गया है। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फीचर्स को यूज कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर दोस्तों आपके WhatsApp पे अभी तक ये फीचर्स नहीं आया है बट आप दोस्तों यूज करना चाहते हो तो दोस्तों आप बिल्कुल ही राइट प्लेस पे आ चुके हो, राइट वीडियो पे आ चुके हो। बिकॉज दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से दोस्तों आप इस फीचर्स को एनेबल कर सकते हो एंड किस तरह दोस्तों किसी भी फोटोज या फिर किसी भी चैट को आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकते हो। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ऑफिशियली से दोस्तों सभी WhatsApp ऐप पे ये फीचर्स को नहीं दिया गया है बट दोस्तों कुछ तरीका है, कुछ ट्रिक्स है जिसके मदद से दोस्तों आप ये फीचर्स को अपने फोन में अपने WhatsApp में दोस्तों एनेबल कर सकते हो। तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, चलता हूँ वीडियो पे एंड वीडियो को करता हूँ दोस्तों फटाक से स्टार्ट। दोस्तों तो सिंपली से आप लोग आज को मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पे एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट दिखाता हूँ किस तरह से दोस्तों ये जो WhatsApp वाला रिएक्शन फीचर्स आया है उसे किस तरह से दोस्तों आप अपने WhatsApp एप्लीकेशन पे एनेबल कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों एज ए प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये जो तरीका है मैंने लगाया तो इंस्टेंट दोस्तों मेरे WhatsApp पे ये अपडेट आ चुका है एंड मैं किसी भी चैट को रिएक्ट कर सकता हूँ, किसी भी चैट पे रिएक्शन दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक किसी को मैं ओपन कर लेता हूँ एंड सिंपली देख सकते हो यहाँ पे वहाँ पे उधर से एक मैसेज आया। सिंपली से मैं इस पर लॉन्ग प्रेस जैसे ही करता हूँ तो ऊपर देख सकते हो दोस्तों मुझे यहाँ पे रिएक्शन का इमोजी देखने को मिल रहा है। सिंपली से जैसे मैं इस पर दिल पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन मेरा चला चुका है। तो सिंपली से अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन को मैं चूज कर सकता हूँ। तो अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट ये तरीका मैं आपको भी बता देता हूँ एंड आप भी दोस्तों आसानी से ये रिएक्शन वाले फीचर्स को अपने WhatsApp पे एनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल को यहाँ पे ओपन करना होगा एंड गूगल को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक काम यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे राइट के टॉप साइड में आपको अपना प्रोफाइल आइकॉन देखने को मिल रहा है तो सिंपली से इस पर आपको क्लिक करना एंड यहाँ से देख लेना किस जीमेल आईडी के साथ किस ईमेल आईडी के साथ अभी यहाँ पे आपका गूगल लॉगिन है, गूगल यहाँ पे लॉगिन है। तो सिंपली सबसे पहले ये चेक कर लेना, उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना होगा एंड यहाँ पे दोस्तों आसानी से आपको लिख देना है WhatsApp बीटा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप WhatsApp बीटा लिख देते हो सिंपली से आपको यहाँ से सर्च कर देना होगा एंड सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ही आपके सामने जो वेबसाइट है खुल के आएगी WhatsApp बीटा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आया वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम, बट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के नहीं आएगा, बट आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या, दोस्तों सिंपली से यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम ए टेस्टर, तो सिंपली से इस ब्लू वाले बटन पे बिकम ए टेस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो एक बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से करना है, ये जब तक बिकम ए टेस्टर बटन पे आप नहीं क्लिक करते हो तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके को आप यूज में नहीं ले सकते हो एंड आपके दोस्तों WhatsApp पे रिएक्शन वाला फीचर्स नहीं आएगा। तो जब तक ये जो बिकम ए टेस्टर आपके सामने नहीं आए, जब तक आप अच्छे से क्लिक नहीं कर देते हो तो बार बार आप ट्राई करते रहना, हो सकता है दोस्तों एक बार में नहीं आए, दो बार में नहीं आए आपके सामने ये बिकम ए टेस्टर का ये स्विच, बट दोस्तों ट्राई करते हैं, जब तक नहीं आता तब तक आप ट्राई करना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे बिकम ए टेस्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिला, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम। तो जैसे ही आपके सामने ये लिखा के आ जाए तो सिंपली से यहाँ से आपको बैक चले जाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको करना क्या, उससे दोस्तों आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना एंड यहाँ पे दोस्तों राइट के टॉप साइड में प्रोफाइल पे क्लिक करके एक बार दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से चेक करना है कि उसी जीमेल के साथ आपका प्ले स्टोर लॉगिन है या फिर नहीं, जिस ईमेल के साथ आपने यहाँ पे गूगल पे भी सर्च किया था। तो ये चीज़ अच्छा से चेक कर लेना, अगर सेम जीमेल है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो वो सेम जीमेल दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन कर लेना। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर से दोस्तों आपको सर्च बार में जाके WhatsApp को सर्च करना है एंड यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही करोगे तो इंस्टेंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आप अपने WhatsApp एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना एंड अपडेट करने के बाद सिंपली जैसे ही आप ओपन करोगे तो मैंने आपको दिखाया है, मैंने इस फीचर्स की मदद से ऑलरेडी से ये जो इमोजी वाला फीचर्स था ये मैंने पा लिया है। तो सिंपली से दोस्तों कुछ इसी तरह से आप भी दोस्तों आसानी से ये ट्रिक और ये स्टेप को फॉलो करके दोस्तों अपने WhatsApp एप्लीकेशन में रिएक्शन फीचर्स को पा सकते हो। दोस्तों तो आई होप आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा एंड आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से दोस्तों WhatsApp में रिएक्शन फीचर्स को आप अपने WhatsApp में एनेबल कर सकते हो, किस तरह से दोस्तों उसे ऑन कर सकते हो एंड किसी भी पोस्ट किसी भी दोस्तों मैसेज पे किसी भी रिप्लाई पे आप दोस्तों रिएक्ट किस तरह से कर सकते हो।
एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिला है उसे भी दबा देना बिकॉज इस वीडियो पे इस चैनल पे आपको दोस्तों इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहती है एंड फ्यूचर में भी दोस्तों मिलते रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह की वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।